पूरे भारत देश के लिए सोचते हैं मोदी। अगर हमारी एजुकेशन नहीं है वो फिर भी चाहते हैं वो पोस्ट मिल जाए, तो ऐसे नहीं होता। मुझे लगता कोई एक सीट निकाल पाता तो निकाल पाएगा। उनके बारे में क्या ही बोलूँ, कुछ भी नहीं होगी। मोदी का कोई नहीं टिक पाएगा। अभिषेक। तो अभिषेक जी, आप मुझे ये बताइए कि आपका फेवरेट लीडर कौन है? मेरे तो मैं मोदी है फेवरेट लीडर। मोदी हैं, लेकिन मोदी क्यों हैं? मोदी के कुछ क्वालिटीज आप बता सकते हैं? हाँ जी, मतलब मोदी मैम ने बस अपने लिए नहीं सोचता वो, और वो एक जिले के लिए नहीं सोचता, एक प्रदेश के लिए नहीं सोचता। मोदी पूरे अपने देश के लिए सोचते हैं, पूरे भारत देश के लिए सोचते हैं मोदी। इससे मुझे बहुत फेवरेट है मेरे। अच्छा, तो अभी तक आप मुझे कोई दो ऐसे उनके काम बता सकते हैं जिनसे भारत देश से आपको लगता है कि मदद की है, या उन्होंने इंडिया को बहुत अच्छे से डेवलप किया? कोई दो काम बताइए सिर्फ। एक तो मैम उतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं थोड़ा बहुत सुनने में आता रहता है कि जो हमारे देश से कुछ ऐसे लोग विदेश से फंसे थे, मतलब कि जो यहाँ नहीं आ पा रहे थे, मोदी उनको भी लेकर आ रहे हैं इंडिया में। तो एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, राम मंदिर का इतने दिन से जो वो चल रहा था, तो उसमें मोदी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो मुझे इसलिए मोदी, ये दो काम है जो उनके बहुत मुझे अच्छे लगे। अच्छा, और एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या सोचते हैं? बीजेपी सरकार ने एम्प्लॉयमेंट, आप एक यंगस्टर हैं, तो आप अपने पर्सपेक्टिव से मुझे बताइए कि मोदी जी ने एम्प्लॉयमेंट के लिए अब तक क्या क्या काम किया? मैम मोदी जी ने तो अच्छा किया है। अब किसी को लगता है कि नहीं, हम घर पे बैठे रहें, अगर हमारी एजुकेशन नहीं है वो फिर भी चाहते हैं वो पोस्ट मिल जाए, तो ऐसे नहीं होता। अब जिसकी जो क्वालिटी है, अगर मेहनत करेगा तो मोदी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो यंग को भी आगे, वो सबके बारे में सोच रहे हैं, लेडीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और जेंट्स सबके बारे में सोच रहे हैं। हर एक जनरेशन को मोदी देखते हुए चल रहे हैं। तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ अपनी जॉब से भी, और जो उन्होंने सैलरी का भी, जब वो आए थे तो उन्होंने सैलरी का भी करा था। पहले बेसिक वगैरह हमारी सैलरी कम थी, मोदी के आने के बाद 15,000 एक मतलब मिनिमम हो गई है। तो बहुत चीज़ें अच्छी करी उन्होंने। अच्छा, मोदी के सामने एक और जो बड़ी पार्टी आज खड़ी हो गई है, इंडी अलायंस। तो इंडी अलायंस में कोई ऐसा कंपटीशन आपको दिखता है कि मोदी जी के खिलाफ अब आने वाले जो 2024 के इलेक्शन हैं, तो मोदी जी का कॉम्पिटिटर आपको कौन लगता है? मुझे तो मैम कोई नहीं लगता। मुझे लगता कोई एक सीट निकाल पाता तो निकाल पाएगा। मुझे लगता वो भी सीट नहीं जाएगी, सारी मोदी को ही जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। लगता है मोदी कोई कंपटीशन है, उनका कोई टिक ही नहीं पाएगा। कौन है? मुझे तो ऐसा कोई नहीं लगता। एक वो पप्पू है, पप्पू के बारे में क्या ही बोलूँ। लोगों ने बहुत उसको पंजा कर रखा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं होगी। मोदी का कोई नहीं टिक पाएगा। मोदी का तो मोदी का जो 400 पार का नारा है, क्या लगता है वो इस बार होगा? मुझे तो लगता है मैम 450 पार होगा। अच्छा, और सही तरीके से होगा, या जो ईवीएम में जो गड़बड़ी बताते हैं उस तरीके से? कुछ नहीं मैम, ईवीएम तो कांग्रेस ही लेकर आए, ईवीएम में कोई नहीं, जेन्युइन होगा। क्योंकि हर एक, अगर आप कहीं 5-6 लोग से मिलते हैं, जहां भी आप जाते हैं, तो 4 तो मोदी की तरफ ही निकलते हैं। एक ऐसा कोई निकलता है, मुझे नहीं पता वैसा क्यों बोलता है, बट ईवीएम में कुछ नहीं, जेन्युइन मोदी ही जाएगा, जेन्युइन वोटिंग होगी मोदी की।